आप इनसे इज्जत से पेश आए, ये हकीम है। ये जो मेरा हाथ काम नहीं करता, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ इनकी सुनता है। इस सुस्त पड़े हाथ का इलाज कर रही है ये। तो इनका हाथ तोड़ता है ना, इनसे कहो कि अपने उसी हाथ से नकाब हटाए और चेहरा दिखाए। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। आपने हकीम यूनान का नाम सुना? नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था इनसे मिलने से पहले। इनके कबीले वालों ने खुदा से वादा किया है कभी शादी नहीं करेंगे, जिसके बदले में खुदा इनको एक नायाब हकीम ही होना देगा। शादी तो दूर की बात है जनाब, अपने खानदान के अलावा ये किसी को अपने जिस्म का एक हिस्सा नहीं दिखा सकते। एक साल से इलाज करा रहा हूँ इनसे, लेकिन आज भी नहीं पता कि बुरखे के अंदर यही आती है, हर बार कोई और, क्या पता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने चेहरे से अपना नकाब नहीं हटाएंगे। जितनी फेंक सकता था मैंने फेंक दी, तो बस भागने को तैयार रहना। देखिए, मैं इनकी कसम की इज्जत करता हूँ, लेकिन बिना पहचान बताए आगे जाने का मतलब, बहुत खास काम की फरमाइश कर रहे हैं आप। खास काम के खास दाम भी होते हैं, आप समझ रहे हैं मियाँ? जी। मर्जीना को इस खतरे से बचाने के लिए मुझे इन दिनारियों की कुर्बानी देनी ही होगी। आप मदद करेंगे? ये आपके खास काम के खास दाम। तो पोटली तो दे दीजिए। शुक्रिया। रुको, एक और बात जनाब, आपको सबूत देना होगा। किस बात का सबूत? अरे दिनारी पूरी असली है, आप इसको आग में डालकर जलाकर देखिए, एकदम असली दिनारी है ये। जलाएंगे, पूरी शिनाख्त करेंगे, लेकिन दिनारी की नहीं, आपके इस हाथ की। हाथ की? हाँ, आपने कहा था ये आपका हाथ बिल्कुल बेकार है, कुछ महसूस नहीं करता, आग की जलन भी नहीं, बस उसी का सबूत दे दीजिए। मशाल लेकर आओ। माफ कीजिएगा जनाब, हमें भी अपने आपाओं को जवाब देना पड़ता है। हमाद अपने इस आशियाने में तुम सबका खैर मकदम करता है। खुशामदीद, तुम सब हो मेरे अजीज, तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, इसे चुनने का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। अगर किसी के चाचा जान नहीं है तो मैं उनका चाचा जान हो सकता हूं, किसी के मामू ना हो तो मुझे मामू जान कह सकते हैं। मामू जान, फूफा जान, अबू जान, कोई सी भी हो जान पहचान, लेकिन अब सब है हम एक खानदान। नहीं, हम एक खानदान कभी नहीं हो सकते। तुम जैसे धोखेबाज इंसान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, जाने दो हमें यहाँ से। इतनी भी क्या है जल्दी जाने की, अभी अभी तो आए हो, कुछ दिन गुजारो। वैसे क्या हूं मैं तुम्हारा? कुछ तय किया? चाचा जान, मामू जान, अनजान, अनजान। बेटा इसे जानते हो? ये है कामिल, बहुत ही काबिल बेटा। कामिल बेटा, जरा इन्हें बताओ तो ये लोग यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? हमारे यहाँ का हमदपुर उन 40 चोरों की खैर से खुद को महफूज रखने के लिए यहाँ पे एक किला बना रहे हैं, और उसी किले को बनाने के लिए हम सब बच्चों को यहाँ कैद करके हमसे काम करवाते हैं। लगता है हम बहुत खतरनाक जगह पर फंस गए हैं, जहाँ से निकलना नामुमकिन है।
बच्चों से काम करवाना कितनी गलत बात है। हम हरगिज तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। और वैसे भी किला बनाकर तुम 40 चोरों को कभी नहीं रोक पाओगे। वो तो किला तोड़कर अंदर आ जाते। बिल्कुल सही फरमाया तुमने। वो महफूज से महफूज किला तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन किला तोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और वो थोड़ा सा वक्त मेरे भागने के लिए काफी है। इसलिए वक्त जाया मत करो और काम करो। हम बच्चों से किला बनवाओगे? किले की दीवार बड़ी होने से पहले हम बड़े हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। हुजूर, ये काम बड़ों का है। हमारी राय में इस काम के लिए आपको बड़े लोगों को उठाना चाहिए। हमें यहाँ से जाने देना चाहिए। नहीं जाने दे सकते हैं ना? वो क्या है कि मुझे बच्चों से बेहद प्यार है। बड़े फुर्तीले होते हैं, कितना भी काम करा लो कभी थकते ही नहीं। और तो और उनकी खुराकी भी कम होती है। जितने दिनार में एक बड़ा खाएगा उतने में तो तीन तीन बच्चे खा लेंगे, तो मेरे लिए तो मुनाफा हुआ। तो मैं एक बड़ा मजदूर क्यों लूं, बच्चे ना लूं? तो मेरे जोशीले नौजवानों, जंग के लिए तैयार हो जाओ। और याद रहे, तुम्हें यहां कोई बचाने वाला नहीं आएगा। हुजूर, आप अपना ये बेफिजूल में वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे कुछ होगा नहीं इससे, मुझे महसूस भी नहीं होगी आग। तो फिक्र करने की तो कोई बात है नहीं, हमारी तसल्ली के लिए आग को पकड़ लीजिए। हमारी वजह से अली को कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। आग में तपकर पत्थर हीरा बनता है। जैसे आग पत्थर का इम्तिहान लेती है, वक्त इंसान का इम्तिहान लेता है, और मुश्किलें बहादुर का। असली अल्लाह का बंदा वही होता है जो हर इम्तिहान से और मजबूत होकर निकलता है। बस बस हटा लो, जाने दो, जाइए। शुक्रिया हुजूर, ये भुने हुए हाथ के लिए और आपकी इजाजत के लिए शुक्रिया। आखिर हमसे रिश्ता ही क्या है इनका, जो हमें बचाने के लिए इन्होंने अपना हाथ चला लिया। ठीक से काम करो। इन छोटे और मासूम बच्चों से काम करवाना एक गुनाह है। हम बच्चों की ये उम्र खेलने कूदने तालीम हासिल करने की होती है, ना कि ये सब मजदूरी करने की। आप इनको आजाद कर दीजिए और इनको इनके घर इनके अपनों के पास जाने दीजिए, वरना आपको आपके इस गुनाह के लिए खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए तो मैं इतनी जल्दी खुदा से नहीं मिलना चाहता। इसलिए तुम मेरे लिए काम करोगे, मजदूरी करोगी, मेरे लिए किला बनाओगी, ताकि 40 चोर मुझे खुदा के पास ना भेज सके। समझे तुम? मत, हम सबको यहाँ से जाने दो। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर हमारे बाबा परवाज के अली बाबा है। मुसीबत चाहे कहीं भी हो, वो हमें बचाने आ ही जाते हैं। उनके साथ साथ पूरी मामूली गाली उठकर तुम्हें मारने आई थी। हम तो तुम्हारी बातों से डर गए बच्चों। देखो
डर के मारे कहीं हम बेहोश ना हो जाए। बेहोश तुम तब होगे जब मैं अपने मुक्के से तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। अल्लाह क्या गुस्सा है, हद से ज्यादा उम्मीद खतरे का निशान होती है, इसलिए लड़के यहाँ पड़ोस से नजरें झुकाकर और जुबान काबू में रखकर बात करना, नहीं तो तुम्हारी ये उम्मीद इन लोगों के लिए खतरे का निशान बन सकती है। नफी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी बात मानकर इन सबको यहाँ बाहर लेकर आई और तुमने मेरी बात बिना माने वो बेहोशी वाला खाना खा लिया। देखो कहाँ फंस गए तुम्हारी वजह से। मुझे भी कहाँ पता था कि हम ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे। आप कहाँ हो बाबा, आपके बच्चों को आपकी मदद चाहिए। ठीक तो है जल गया, पूरा का पूरा जल गया। तुम वक्त ने जला के हड्डी पिघला दी मेरी। या खुदा ये तो बहुत जल गया। हम जानते हैं आग की जलन बहुत तकलीफ भरी होती है। मोहतरमा ये धूप की आग से नहीं जला है, ये मशाल की आग से जल के ऐसा हुआ है। तुम वक्त ने ऐसा जलाया कि नाम सेक सकता हूँ उसके ऊपर। तो किसने कहा था आपको उनके सामने इतना जाबाज बंदा बनने के लिए, बताइए। मैं जाबाज बंदा नहीं बनता ना, वो तुमको बंदी बना देते, डाल देते काल कोठरी में। आपका हाथ पूरी तरह जल जाता तो क्या जरूरत है आपको हर बार ऐसी बहादुरी दिखाने की। वो मोहतरमा नर्मो नाजुक, अगर उनको जरा सा भी शक हो जाता ना तो मेरे हाथ की जगह हम दोनों की गर्दन होती इस मशाल के ऊपर। एक बात सुनो मर्जी, इंसान की जिंदगी में जब मुश्किलें आए और चारों तरफ बचने का कोई रास्ता ना हो तो सिर्फ एक ही चीज इंसान के काम आती, चालाकी। और कभी कभी थोड़ा दर्द सहना पड़ता है, बस यूं समझ लो कि मुझे दर्द सहने की आदत है। मैंने मेरे बच्चों को भी ये सिखाया है, कभी मुश्किल में अटक जाओ तो पांचों मिलकर अपनी अकल का इस्तेमाल करो, एक से पहले पांच, फिर भले दिमाग की बात हो या बाजुओं की ताकत। अब चले, सफर से रास्ता और दर्द दोनों कम हो जाएगा। किला बना नहीं और बच्चे पहले ही गिरने लगे। गुल्लू को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो वो तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी। गुल्लू, गुल्लू, गुल्लू सांस लो। गुलरेस अभी इस काम के लिए बहुत छोटी है,
और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं। अगर तुम्हें सिर्फ काम से मतलब है ना, तो उसका काम मैं कर दूंगी। तुम सबको काम करना होगा। अगर ये लड़की काम नहीं करेगी तो मैं इसे नौकरों के बाजार में बेच दूंगा। आप कहाँ हो बाबा, जल्दी आके हमें बचा लीजिए। नहीं, तुम हमारी गुल्लू को हमसे कभी दूर नहीं ले जा सकते। हाँ, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। कितना प्यार है भाई बहनों में, लेकिन अब प्यार का वक्त खत्म। पकड़ो इन्हें। कैद कर लो इन्हें कैद खाने में, और जब तक इनका रोना पिलकना बंद नहीं होता, इन्हें पानी की एक बूंद तक मत देना। भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा, और मैं वादा करता हूँ, मैं तुम सबको और गुल्लू को यहाँ से सही सलामत बाहर लेकर ही जाऊंगा। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि वो तालिस्मान का दूसरा हिस्सा एक आदमी के गले में है। ढूंढो उसे इफ्रित, चाहे कुछ भी करना पड़े उस तालिस्मान को ढूंढ कर ला, अपने आका के लिए, मेरे नूरे निगाह के लिए। अगर ये जिंदा नहीं हुए तो इस पूरी कायनात को मैं हमेशा के लिए सिला दूंगी। नायाब का दूसरा टुकड़ा किसी एक इंसान के गले में है, तलाश करो उसकी। भाईजान को मूसा देगा सौदी रहने। बच्चों, तुम्हारा भी मामा ने कर दिखाया। लिए आपने तो अपनी सारी दिनारी हमें यहाँ तक पहुँचाने में खत्म कर दी, अब आप और दिनारी कहाँ से लाएंगे? आपके पास तो जाने के लिए भी वक्त कम है ना? वक्त कम है लेकिन अकल नहीं। क्या है कि जिस अकल के साथ मैंने तुम्हें मुसीबतों के पहाड़ पार करवाए, उसी अकल के साथ मैं और दिनारी भी कमा लूंगा। चलिए, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। उम्मीद करता हूँ ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आप फिक्र मत कीजिए, ये हमारी आखिरी मुलाकात ही है। इसके बाद हमारे रास्ते कभी नहीं टकराएंगे। रास्ते टकराए लेकिन तुम मत टकराना। क्या है ये हिफाजत मर्जीना की जंग से मैं थक चुका हूँ, अब मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है और अपने इश्क फातिमा से मिलना है। हाँ, तो हमें भी तो मुसीबतों से दूर रहना है। जी, ध्यान रखना। खुदा। नदी जब मिल जाती है समंदर में तो दोनों को कायनात भी अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी तकदीर में साथ रहना लिखा है, तुम्हें एक दूसरे से तुम खुद भी अलग नहीं कर सकते।